रानी जी की जय हो। अरे चंदा, ये घोड़े पर सवार क्यों चली आ रही है, क्या बात है? महारानी जी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे रुकाना गया। ऐसी भी क्या बात है? सुना है जौहरी श्यामलाल आज दरबार में कुछ ऐसे रत्न दिखाने वाले हैं जो पल पल रंग बदलते हैं। चल हट, ऐसा भी कभी हो सकता है? वही तो देखना है, किंतु अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगी तो मैं ये चमत्कार कैसे देख पाऊंगी? अगर ऐसा है तो ये अद्भुत रत्न हम भी देखना चाहेंगे। अरे गंगू, कैसे हो? आपकी कृपा है। अरे कृपा तो महाराज की है। मान्यवर, आपका इस तरह एक सफाई कर्मी से बात करना कुछ अटपटा लगता है। आखिर गंगू है तो छोटा आदमी। भाई महाराज भगवान समान होते हैं, उनके द्वार पर बंधे चौपाए को भी प्रणाम। महाराज की जय हो। जौहरी श्यामलाल, यूं तो तुम वर्षों से राजमहल की सेवा में रत हो, एवं इस बीच में तुमने ना जाने कितने सुंदर सुंदर रत्न हीरे जवाहरात में ला कर दिए। लेकिन इस बार तुम ये कितना अद्भुत रत्न लेकर आए जो हर क्षण अपना रंग परिवर्तित कर रहा है, तनिक हम भी तो देखें। जो आज्ञा महाराज। ये तो माणिक है। तुम तो कह रहे थे कि ये अपना रंग बदलते। देखिए महारानी, अद्भुत, ये अपना रंग बदल रहे हैं। हम प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? दीपक दाम लगाए ये अनुचित है महाराज, आपकी तो कृपा दृष्टि ही बहुत। ये रत्न आपके चरणों में अर्पित है महाराज। श्यामलाल, महारानी की अभिलाषा कि तुम इन अद्भुत रत्नों की एक सुंदर सी माला बना कर दो। जो आज्ञा महाराज। श्यामलाल, हम तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न होते हैं, तुम्हें राजजौहरी के पद पर मनोनीत एवं दान में 10 गांव देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजौरी के राज सम्मान के लिए श्यामलाल जी आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई। अरे भाई, ये आप लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं ही हैं जो आज मैं इस स्थान पर हूँ। लेकिन ये केवल मेरा नहीं, नगर के समस्त जौहरी समाज का सम्मान है। यहाँ कैसे? आपने बुलाया था? नहीं तो। बधाई हो मान्यवर, आपका मान मर्तबा और भी ऊंचा हो। तुम जो है, क्या तुम्हें यूं बड़े बड़े लोगों के बीच इस तरह आना शोभा देता है? किंतु मान्यवर, मैं तो इस अवसर पर आपको बधाई देने आया हूं।
क्या मेरे आने से आपकी हेठी होती है? बात हेठी की नहीं, बात स्थिति की। मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुसार ही कहीं आना जाना चाहिए भाई, बड़े छोटों का भान तो होना चाहिए। मान्यवर, आपके आवास पर आया हुआ व्यक्ति सर्वप्रथम अतिथि है, एवं अतिथि छोटा या बड़ा नहीं होता। आप ज्ञानी है मान्यवर, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, किंतु इतना तो मैंने भी सुना है कि वेदों में ज्ञानी मुनि लिख गए हैं कि अतिथि देवो भव। ऐसे निपट मूड और छोटे व्यक्तियों से झूठे मुंह बोलना भी पाप है। अरे उस दिन राजमहल में मैंने इससे दो मीठे बोल क्या बोलिए, ये तो मुझे अपने बराबर का ही समझने लगा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखे, तुम स्वयं यहां से प्रस्थान करते हो या बुलाओ प्रहरी को? मान्यवर, घर पर आए हुए अतिथि का इतना अपमान, घमंड में आप ये भी भूल गए कि मनुष्य मनुष्य समान होते हैं। समय आने पर आपको ये छोटा मनुष्य ऐसा पाठ पढ़ाएगा कि आप भी स्मरण रखेंगे। महारानी जी, इस बार जब मुल्तान का व्यापारी आएगा तो उससे वहाँ की मिट्टी मंगवा लेंगे। कहते हैं उससे त्वचा में और भी निखार आता है और त्वचा कंचन सी चमकने लगती है। इसके लिए व्यापारी के आने की प्रतीक्षा क्या करनी, कल ही तो सेवकों को रवाना कर दिया जाए। महारानी जी की जय हो, राज जौहरी श्यामला जी आपके दर्शन के अभिलाषी है, उन्हें सागर ले आओ। लगता है राज जौहरी अद्भुत रत्नों वाला हार लेकर आ रहे हैं। महारानी जी की जय हो। शीघ्र दिखाइए हमारा हाथ, हम देखना चाहते हैं कि इस अद्भुत रत्न हार से श्रृंगार करके वो कैसे लगते हैं। सुंदर, अति सुंदर। चंदा, कैसा लग रहा है ये हार? महारानी जी, आपके गले में आकर तो इसकी शोभा दोगुनी हो जाएगी। हम आपकी कला से प्रसन्न हुए श्यामलाल जी। कृपा है महारानी। आहा, श्यामलाल महारानी के पक्ष में, बहुत अच्छे। अब आया है अपने अपमान का बदला लेने का दिन। राज जौहरी श्यामलाल, अब देखो ये छोटा आदमी अपनी छोटी बुद्धि से तुम्हें कैसा पाठ पढ़ाता है। ठीक 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 ठीक, ये जौहरी श्यामलाल की भली चलाई, महारानी के गले की माला क्या बनाई कि वो महारानी के गले ही लग गया। गंगू, जी महाराज, तुम कुछ कह रहे थे? क्या क्या कह रहा था महाराज? यही, तुम जौहरी श्यामलाल के बारे में कुछ कह रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा महाराज, मैं तो सफाई कर रहा था। अच्छा, तुमने कुछ नहीं कहा, तो ठीक है जाओ। जौहरी श्यामलाल की माली चलाई, महारानी के गले की माला क्या बनाई कि वो महारानी के गले ही लग गया। ये जौहरी श्यामलाल की माली चलाई, महारानी के गले की माला क्या बनाई कि वो महारानी के गले ही लग गया। महारानी के गले ही लग गया।
महारानी के गले लग गए, महारानी के गले लग गए। अरे भाग्यवान, महारानी की प्रशंसा की तो पूछो ही मत, बढ़ाई करते थकती ही नहीं थी। क्यों न हो, सारे नगर में आपसे उत्तम कोई और जोड़ी ऐसा रत्नहार बना सकता था क्या? देखिए, ईश्वर ने अपनी असीम अनुकंपा हम पर की है, यदि आप उचित समझे तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर में पूजा करवा कर 100 दरिद्र नारायणों को भोजन करवाना चाहती हूँ। अरे 100 क्या, तुम 1000 दरिद्र नारायणों को भोजन करवाओ। अरे भाई, अब तुम राज जौहरी की पत्नी हो। कहिए, क्या संदेश लाए हैं महाराज का? संदेश? तुमको बंदी बनाने के लिए आए हैं कपटी। भाई, मत भूलो कि तुम राज जौहरी से बात कर रहे हो। चलो मेरे पास। क्या कर रहे हो तुम? महाराज को पता चलेगा तो तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। चलिए। अरे चलो, लौट जाओ। अरे चलो, मेरी बात सुनो। महाराज देख रहे हैं महाराज, इन लोगों ने कैसी दुर्गति की है मेरी। एक अपराधी की तरह सारे नगर में घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आए ये लोग मुझे। श्यामलाल, एक अपराधी को ही अपराधी की तरह लाया जाता है। परंतु मेरा अपराध क्या है महाराज? चुप, बंद कर अपना ये प्रलाप। और तुम्हारा अपराध क्या है अपनी अंतर आत्मा से पूछो। अन्नदाता, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो आपकी कृपा क्रोध की ज्वाला बन गई है? जोरी श्यामलाल, आज इसी क्षण से राज जौहरी की पदवी तुमसे छीन ली जाती है और तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि आज के पश्चात तुम राजमहल के आसपास भी दिखाई दिए तो जंजीरों में जकड़कर तुम्हें हाथी के पैर तले तुम्हारा सिर कुचलवा दिया जाएगा। और नौगर के नागरिकों को यह आदेश दिया जाता है कि तुम और तुम्हारे परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध ना रखा जाए। भाइयों, ले जाओ इस कृतघ्न को। प्रभु आपका कल्याण करे।
परिवार की देखते ही देखते क्या दुर्गति हो गई। यही तो है प्रभु की माया, कभी धूप कभी छाया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? पहले इतना मान और फिर ये अपमान, क्यों क्यों प्रभु? मेरा क्या अपराध है? क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? मनुष्य, कोई भी कार्य करने से पहले तुम्हें भली भांति विचारना चाहिए था। अब देखो कैसे पछता रहे हो। नारायण नारायण। किंतु मेरा अपराध क्या है भगवान? नारायण नारायण, याद करो, तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी का अपमान किया है? तुमने अपमानित कर एक अतिथि को अपने घर से धुतकार दिया। तुम अपने दंभ में यह भी भूल गए कि जब इस जगत के पालनहार ने मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं रखा, तो तुमने उस प्राणी को अपने से छोटा समझने की धृष्टता कैसे कर डाली? नारायण नारायण। ऐसे निपट मूढ़ और छोटे व्यक्तियों से झूठे मुंह बोलना भी पाप है। अरे उस दिन राजमहल में मैंने इससे दो मीठे बोल क्या बोलिए, ये तो मुझे अपने बराबर का ही समझने लगा। घर पर मेरा मुंह कह देते, तुम स्वयं यहां से प्रस्थान करते हो या बुलाऊं दरबार? क्षमा करे प्रभु, क्षमा, मेरे अहंकार वश मुझसे यह महाभूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। क्षमा मुझसे? नारायण नारायण। श्यामलाल, क्षमा मांगनी है तो उस प्राणी से मांगो जिसका तुमने निरादर किया है। नारायण नारायण। मान्यवर, आप यहां? अगर राजा के सिपाहियों ने देख लिया कि आप मेरे घर आए थे तो दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। इससे पहले कि आपको कोई यहां देख ले, आप कृपा कर यहां से प्रस्थान कर जाएं। चला जाऊंगा गंगू, चला जाऊंगा। पहले तुम मुझे क्षमा कर दो, फिर सर्वदा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं, मैं अपने अहंकार में भूल गया था कि मनुष्य मनुष्य होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। घर आए अतिथि का अपमान करने का जो अपराध मुझसे हुआ है, उस अपराध बोध से मैं क्षण भर भी सुख का जीवन नहीं जी पा रहा हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो, या चाहे चाहो जो दंड दे दो। मान्यवर, आपका पछतावा ही आपका दंड है।
मुझे आपसे कोई क्षोभ कोई रोष नहीं। जो कुछ मैं आपको बताना चाहता था वो आप स्वयं समझ रहे हैं। यानी तुमने? हाँ हाँ मान्यवर, मैंने आपको क्षमा किया। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, महाराज की क्या बुरी आदत है, कोई स्नान घर में बैठकर तरबूज खाता है भला? कितने पेटू हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? छी 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 छी। गंगो, जी महाराज। तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे। जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा था महाराज, मैं तो सफाई कर रहा था। क्या तुम ये नहीं कह रहे थे कि मैं स्नान घर में बैठकर तरबूज खाता हूँ, पेटू कहीं का? क्या मैं ऐसा कह रहा था महाराज? मैं भी कितना मूर्ख हूँ, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता हूँ। वो जब से मैं पेड़ पर से गिरा हूँ ना महाराज, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता हूँ। मैं निपट मूर्ख गंवार अज्ञान हूँ महाराज। अगर अज्ञानता में मूर्खता की कोई बात निकल गई हो तो क्षमा करें महाराज। ठीक है तुम जाओ। श्यामलाल, एक सूचना के आधार पर हमने तुम्हें राजजौहरी के पद से हटा दिया। तुम्हें दंड देकर हमसे अन्याय हुआ, किंतु अब हमें पता चला है कि वो सूचना असत्य थी। अतः ससम्मान हम तुम्हें राजजौहरी के पद पर पुनः आसीन करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।